पीटीआई रहनुमा आसिफ तोमर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करें कि यहाँ पर पैरवी की जाएगी। हमारे तो जाहिर है सिर्फ हमारा नहीं, जो भी लोग देख रहे हैं उनको नजर आ रहा है ये ऐसी झूठे मुकदमे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इमरान खान कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं तो वो यहाँ पर आएंगे। उम्मीद है, ये पता नहीं इतने ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार वगैरह क्यों बुलाए हुए, यहाँ कोई दंगे फसाद का तो खतरा कोई है नहीं, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है, सिक्योरिटी एहलकारों की है, और उम्मीद है कि सब मामला जो है खुश असलूबी से होंगे यहाँ पर और इमरान खान साहब यहाँ पे आएंगे। एक चीज़ जिसकी हमने दरख्वास्त की हुई है हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, खसूसी तौर पे उसकी दरख्वास्त है कि जाहिर है सिर्फ ये इमरान खान साहब का ये हमारा मानना नहीं है, हुकूमत ने खुद जो है वो सिक्योरिटी अलर्ट्स इशू किए हुए हैं, तो क्योंकि इमरान खान साहब की बात को खसूसी खतरा है इसलिए उम्मीद है कि उनकी सिर्फ उनकी गाड़ी जो है, हम तो यहाँ पे पैदल उतर के आ गए लेकिन उनकी गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी और वो एक सेफ तरीके से एक बाहिफाजत तरीके से अंदर कोर्ट की पेशी आके करके फिर वापस जा सके। साहब ये क्या कहेंगे, मुकदमात पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं और जमानतें करा करा के मेरा ख्याल है आप भी थक गए हैं, अगर कहीं कल को गिरफ्तार किया जाता जैसे कि इंटेंशन राणा सनावला के इंटरव्यू से भी जाहिर हो रही है कि वो करना चाह रहे हैं, इस सूरत में पीटीआई क्या करेगी? देखिए मुकदमे जो हैं वो तो सिर्फ मुकदमों की तादाद ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। हम तो पिछली दफा दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए थे तो जज साहब भी कह रहे थे कि वो भी परेशान हो गए कि हर दूसरे दिन कोई चार और मुकदमे लेकर आ जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है उलझाने के लिए, खतरात पैदा करने के लिए, लेकिन क्योंकि तहरीके इंसाफ और इमरान खान हमेशा कानून की बालादस्ती में यकीन रखने वाले लोग हैं इसलिए जब अदालत का हुक्म होता है तो पेश भी होते हैं, इमरान खान साहब आज भी यहाँ पर पेश हो जाएंगे, लेकिन हम जो है एक इसके ऊपर तकरीबन हमारी पटिशन तैयार हो गई है कि ये मजमूई तौर पे, ये तो इनफरादी तौर पे बेलें तो हो रही हैं लेकिन मजमूई तौर पे जिस तरीके से इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, हरासा किया जा रहा है, इलेक्शन कैंपेन करने से उनको रोका जा रहा है, उसके ऊपर हमारी पटिशन जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है, आज या कल इंशाल्लाह ताला वो भी दायर कर दी जाएगी। राणा सनावला साहब के बयान को कैसे देखते हैं या हम नहीं? देखिए राणा सनावला साहब के बयान को दो चीज़ें मैं कहूँगा, एक तो मेरे ख्याल में अदालत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ये बयान दे रहा है, कोई आम शख्स ही नहीं दे रहा। दूसरा मैं राणा सनावला से भी बोलूँगा कि पता नहीं उनको इतनी परेशानी क्यों होगी। राणा सनावला राणा साहब आपके वजूद को ख़त्म करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, 3.5 साल हुकूमत करके गए, वजूद ख़त्म करना होता तो उस वक्त किया होता और ना इंशाल्लाह ताला किसी और का वजूद ख़त्म होने वाला है। सब पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी अपनी नज़रिए के मुताबिक, अपने 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 ईमान और जज्बे के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए काम करते रहेंगे। आप इतने ज़्यादा परेशान हो, पता नहीं किसने आपको डराया कि आपका कोई वजूद ख़त्म करने वाला है। असर साहब ये बताएंगे, असर साहब ये बताएंगे, आए ना सर, सवाल है और अच्छा और सवाल। असर सर ये बताएंगे कि जो आपके सियासी मुखालिफ हुकूमत में हैं, आपने उनके साथ जो किया, जो मुकदमात गिरफ्तारियां हुई, उन्होंने सबक नहीं सीखा, वो कहते रहे कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अब आप कह रहे हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन खान साहब ने फैसला किया कि हुकूमत में आएंगे तो सबका मुहासबा करेंगे, क्या पाकिस्तान में इंतकाम की सियासत चलती रहेगी? देखिए पहली बात तो जरा सा ये जो आपने कहा कि उनके वक्त हमारे वक्त में क्या होता रहा, हमारे वक्त में दो मुख्तलिफ चीज़ों पर देख लें जी, एक तो आज के दिन हज़ारों तहरीके इंसाफ का वर्कर गिरफ्तार है, हज़ारों, सिर्फ मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से तकरीबन 500 से ज़्यादा बंदा गिरफ्तार हो चुका है, और मुझे तो बता दें कि कोई मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को कोई गिरफ्तार किया गया हो इस्लामाबाद में 3.5 साल के अंदर, 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च हुई इस्लामाबाद में, यहाँ पर कोई वर्करों की गिरफ्तारियाँ हुई हों, तो पहली बात तो ये बिल्कुल हुआ नहीं है। जहाँ तक उनके लीडर्स के सवाल आते हैं उसके अंदर सिवाय एक केस के राणा सनावला वाला, और आपको पता है कि हमारी काबीना के अंदर जिस वक्त बातचीत हुई थी काबीना के अफराद ने तनकीद की थी कि यार ये तो केस हमें ठीक नज़र नहीं आ रहा, उसके अलावा सारे नैब के मुकदमात थे, नैब के ऊपर कितना इमरान खान का और हमारी हुकूमत का कंट्रोल था वो आपको सबको पता है। सर आपके जितने मुकदमात हैं वो कोर्ट में पेशियों के दौरान आपके कारकुनान के ऊपर जो वहाँ पे अटैक्स हुआ दादा उससे मुतलक है, आप एक मुझे कोई इंसिडेंट बता दें कि नवाज शरीफ मरियम नवाज पेश हुई हो और वहाँ पे जुडिशियल कंप्लेंस के ऊपर पथराव किया गया? अच्छा मैं आपको पहली बात तो वो पूरी वीडियोस मौजूद हैं कि मरियम नवाज पेशी के लिए जा रही हैं और गाड़ी के अंदर पत्थर जमा करके पथराव किया गया, तो माजरत के साथ वो वीडियो तो अगर आपको नहीं मिला तो आपको पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन भाईजान मेरे ऊपर 17 FIRs कटी हुई थी बगैर एक किसी सोटी चले हुए, ठीक है ना,
उस दिन भी जो है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर मेरे पर दहशतगर्दी का पर्चा कटा हुआ। मैं सारा दिन इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था और यहाँ पे सारे कभी वो चीफ जस्टिस साहब के पास जा रहे होते थे, कभी मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के साथ लिखा था, तो ये इन पर्चों का हकीकत कोई ताल्लुक नहीं है।